अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद मीरा खान। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आगे चूँकि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में ये चीज़ें हम जो है अक्सर बनाते ही रहते हैं। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत ईजी है और 10 मिनट में आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो हम बना रहे हैं आज दही पल्ले। दही पल्ले बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हैं आलू। आलू को हमने उबाल लिया है, 1/2 kg आलू हमने लिए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितने चाहें ले सकते हैं, ज़्यादा बनाने हो तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और हमने पल्ले लिए हैं, ये बेसन के बने हुए हैं। इनको हमने गर्म पानी में भिगो दिया है बनाने से पहले। 1 घंटे के लिए हमने इनको भिगो के रखा हुआ था गर्म पानी में। इस तरह ये फूल जाते हैं और नरम हो जाते हैं। इनको बनाना भी बहुत ही ईजी है। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँ। हमने एक छोटी सी प्याज ली है, उसको हमने बारीक से कट कर लिया है और पानी से वॉश भी कर लिया है। एक छोटा सा हमने टमाटर लिया था, उसको भी हमने चॉप कर लिया। और उसके अलावा पुदीना है, लीमू है, हरी मिर्च है, उनको भी हमने हरी मिर्च को भी हमने कट कर लिया है। हमने जो 1/2 kg आलू लिए थे उनको हमने कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इन आलूओं में हमने और चीज़ें जो है मिक्स करनी है। ये जो बल्ले थे इनको 1 घंटा हो गया है, अब हमने इसको आलूओं में मिक्स कर देना है। कट किए हुए आलूओं में हमने ये बेसन के बने हुए बल्ले भी ऐड कर लिए। अब हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। और अब हम इसमें कट की हुई हरी मिर्च, प्याज, टमाटर वगैरह भी ऐड कर लेंगे। हमने एक प्याले में दही लिया है, इसमें हम जो है स्पाइसेस ऐड करेंगे। टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जो है हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और कुछ जो हैं वो थोड़ा फीका खाते हैं, तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। 1 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। अब हम इस दही को अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम थोड़ा सा पतला रखेंगे। सारी स्पाइसेस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और दही को भी हमने थोड़ा सा पतला कर लिया, बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी। अब हम ये दही जो है ये इसमें ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और ऊपर जो है हमने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लिया। तो हमारे दही भल्ले जो हैं वो रेडी हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे दही भल्ले रेडी हो गए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और स्पेशली रमज़ान में आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि पूरा महीना पकोड़े खा खा के इंसान बोर हो जाता है, तो दही भल्ले भी बनाने चाहिए। और बहुत ही ईजी रेसिपी है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।